मैं आरती वाल्मीकि बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, और ये है ग्राम बटियागढ़ का वार्ड नंबर 19। इस दलित बस्ती में रहने वाले 150 से लेकर 200 लोग जो समस्या से पीड़ित हैं, वो थी पानी की समस्या। पिछले 50 सालों से बसी ये बस्ती इस समस्या का सामना करते आ रहे थे, जिसकी इन्हें कभी कोई सुनाई नहीं हुई। पानी की परेशानी हमारे वहाँ पानी नहीं है, पैर पाइप लाइन डरे थे भी निकाल लेगा तोड़ फोड़ दे, और न कोई पानी का साधन है, हमें पैर नदी का पानी पिया। यहाँ पे बड़े आदमों के घर जाओ तो वो कहते हैं 300 रुपए महीने दो, 200 रुपए महीने दो, उनके हाथ जोड़ो पाँव पड़ो, जब जाके वो 200 रुपए 300 रुपए में पानी भरने को बोलते हैं। तो 1500 रुपए महीने पे मैं कमाती हूँ, तो पानी भरूं या अपने बच्चों को खिलाऊं? पानी भरो जाते हैं तो 500 रुपया लगते हैं। कहाँ से भरते हो? क्यों भरते हो वहाँ? आपके यहाँ पानी की कोई साधन नहीं है? क्या क्या चाहते हैं आप? इधर नल बन जाएगा तो अच्छा है। आज इस बस्ती को पानी की इतनी बड़ी सुविधा मिली हुई है, जिससे उनकी सारी समस्या हल हुई है। 1993 में एक हैंडपाइप यहाँ लगाया गया था रोड पर तालाब के किनारे, पिछले 2 साल से वो भी सूख चुका था। आज उसमें भी एक नया पाइप डाला गया है, उसे पुनर्निर्मित भी किया गया है, और आज ये पूरी बस्ती जो वार्ड नंबर 19 की दलित बस्ती है, पानी से लबालब है। इसमें किस प्रकार बदलाव हुआ? और ये नल कब लगा है? ये नल आज शिवरात्रि वाले दिन लगा है। तो अब आप ये पानी लेकर कहाँ जा रहे हैं? अब ये पानी लेकर सबसे पहले भोलेनाथ जी को चढ़ाने जाएंगे। कौन सा वार्ड नंबर है ये? वार्ड नंबर 19 तालाब के पास पीपल मोहल्ला। ये नल कैसा चलता है बेटा? हरा। तो आप कब से पानी भर रहे हैं इससे? एक घंटे। और हैंड पंपों में 100 फुट पाइप डालते हैं सर, हैंड पंप चलता रहेगा। अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और का मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि ये समस्या मेरी थी, मेरे समुदाय की थी, जिसके लिए मैंने और मेरी बस्ती वार्ड नंबर 19 के सभी दलित वंचित विकास मंच के लोगों ने मेरा साथ दिया और संघर्ष किया। इस पे बदलाव पाके आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं आरती वाल्मीकि भटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।